मंदसौर कोतवाली थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल के सामने भिक्षावृत्ति करने वाले व्यक्ति की मिली लाश, क्षण के कारण हुई मौत, जताई आशंका। मंदसौर कोतवाली थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल के सामने भिक्षावृत्ति करने वाले व्यक्ति की ठंड के कारण मौत हो गई। इस तरह की आशंका अभी पुलिस द्वारा जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मार्ग कायम कर आगे की जांच शुरू की। मौके पर पहुंचे अभिषेक पाल द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए सोमवार को 12:30 पर बताया कि यह व्यक्ति कौन है, इसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। पर इस तरह लोग भिक्षावृत्ति जो करते हैं, उन लोगों के पास पर्याप्त बिछाने और ओढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। ऐसा लगता है कि अधिक ठंड होने के कारण इस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया होगा या बीमारी होगी जिससे इसकी जान गई है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की जांच शुरू की एवं लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि किस कारण से एक व्यक्ति की मौत हुई है। आसपास के व्यापारियों ने बताया कि 3 से 4 दिनों से यहीं पर यह सो रहा है और जिन दुकानों के बाहर इसकी लाश मिली है वह दुकान नहीं खुलती है। अभी तो इस प्रथम दृष्टा में देखने से ऐसा पता चलता है कि इसकी मौत प्राकृतिक रूप से हुई है। किसी प्रकार से कोई जाहिरा चोट इसके शरीर पर नहीं आई है और इसके शरीर को देख के लगता है कि ये बीमार भी रहा है और इसके पास किसी प्रकार से कोई आइडेंटिटी का इसका जो आइडेंटिटी कर सके ये कौन व्यक्ति है वो कोई कागज ही नहीं मिले हैं। और बात पीएम के पता चल जाएगा इसकी मृत्यु किस कारण से हुई है। देखने में आ रहा है कि कुछ दिनों से मंदसौर शहर में बारिश भी हो रही है, कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, तो कारण क्या माना जा रहा है? कारण यही माना जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में उनके पास ओढ़ने बिछाने का साधन नहीं है। जो जितने मरने वाले लोग हैं ये सब गरीब प्रवृत्ति के हैं जो भिक्षा मांग के अपना जीवन व्यापन करते हैं। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अधिक ठंड पड़े और उनको हार्ट अटैक आ जाए जिससे उनकी मृत्यु हो जाए। तो क्या लगता है ठंड के कारण मौत हुई है? शायद ऐसा या बीमारी चलते हो सकती है या ठंड के कारण हो सकती है। क्या नाम आपका? अभिषेक पाल है सर।